दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, पहले ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं आज ईगेट का S9 प्रो कोल्ड प्रिंटर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको पता ही है ईगेट एक प्रिंटर मार्केट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई कंपनी है। वैसे ज़्यादातर प्रिंटर चाइना से इम्पोर्ट होते हैं, तो ये भी आप मान सकते हो कि एक चाइनीज प्रोजेक्टर है। ईगेट के सभी प्रोजेक्टर इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, आप देख सकते हैं। ईगेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको काफ़ी महंगा देखने को मिलेगा, 27,000 से प्राइस बताते हैं, पर ये फ्लिपकार्ट पर 21,000 का आ जाता है। इसकी MRP ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखते हैं और 45,000 MRP लगा दिया उन्होंने यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये यूजर मैनुअल है, इसके अलावा इस बॉक्स में जो भी एसेसरीज वगैरह हैं, ये मेन प्रोडक्ट है जो प्रोजेक्टर है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि एसेसरीज में इन्होंने क्या क्या दिया है। कि ये इस मैनुअल के अंदर प्रोजेक्टर रखा है, यूजर मैनुअल है और ये एक छोटा बॉक्स है। इसको ओपन करते हैं, इसमें एक पावर कोड है जो पावर देने के लिए एक रिमोट है। तो यार इतना महंगा प्रोजेक्टर है, कंपनी वालों को कम से कम HDMI केबल तो देनी चाहिए। और ये जो इसका रिमोट है, ये ब्लूटूथ द्वारा भी कनेक्ट हो सकता है। आप यार ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। वॉइस वाला भी ऑप्शन है, जैसे ब्लूटूथ को चलाते हैं तो हम वॉइस द्वारा इस पर सर्च कर सकते हैं। ये एक स्क्रो दिया है, स्क्रो की सहायता से प्रोजेक्टर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठाना हो, जैसे स्क्रीन पर फिट नहीं आ रहा हो। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ठीक है। ये एक FHD प्रोजेक्टर है, 1080p इसका नेटिव है, 4K भी ये सपोर्ट कर लेता है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल फोकस है, मतलब इसको स्क्रीन के आगे रख के चालू करना है, ये ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। इसके पोर्ट में एक लैन पोर्ट जो इंटरनेट के लिए, एक HDMI केबल, एक USB केबल, एक AUX केबल, एक IR सेंसर वगैरह इसमें दे रखे हैं। इसका लेंस है, आगे की तरफ कुछ कैमरा कुछ डिवाइस लगा के रखते हैं कि ऑटोमेटिक फोकस और कीस्टोन एडजस्ट हो जाए। इसका नाम गोल्ड है, S9 प्रो गोल्ड, तो आगे गोल्ड किसी कैप लगा रखी है। ईगेट कंपनी के रजिस्ट्रेट में सर्विस सेंटर तो है, पर उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर वालों जो मोबाइल को सही करते हैं उनको उन्होंने सर्विस सेंटर बना रखा है। तो भाई वो मोबाइल सही करने वाले प्रोजेक्ट कैसे करेंगे सही? कहीं कहीं सर्विस सेंटर अवेलेबल है, कहीं अवेलेबल तो है, पर वो रिपेयर करते हैं नहीं करते उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉन्टेक्ट कर रखा है, कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट 1 साल की वारंटी के साथ होता है, और वारंटी देखते हैं क्या होता है। अब आगे स्क्रीन टेस्ट करेंगे, उससे पहले चैनल को लाइक कर ले भाई, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्क्रीन ये प्रोजेक्टर चालू कर दिया, ये गेट का प्रोजेक्टर ऐसे ही ऑफिस एक फोटो आता है इसमें।
देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। लोडिंग में रहा है, फिर में थोड़ा टाइम लेता है। ये वो जो ये गेट का एक i9 प्रो स्मार्ट पे लगता है ऐसा ही इंटरफेस है। ये ऑटोमेटिक फोकस हो रहा है, देखिए स्टॉप भी है ऑटोमेटिक और एक्ट कर लेता है। और इसमें कुछ वीडियो चला के दिखाएंगे तो आप उनको देखना, क्वालिटी चेक करना। इसमें स्पीकर दे रखे हैं 18 वाट के टोटल स्पीकर है, तो आवाज़ काफ़ी बढ़िया है इसमें। ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड 9 के साथ आता है। यूट्यूब इसमें ओपन करके देखते हैं। काट रही है गाड़ी, ये देखो आग लगा के चल रही है। रात के भाई 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ सोते सोते। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का अपडेट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका यार लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब कर लो। और आराम से देखिए वीडियो, लाइट जली हुई है। इसमें HDMI ERC वगैरह है। आवाज़ इस प्रोजेक्टर की काफ़ी बढ़िया है वो गए, और क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। प्राइस वैसे इसको ज़्यादा ही है यार, मानो तो प्राइस 20,000 है। गेट के और प्रोजेक्टर के आपको वीडियो देखने हो तो चैनल पर देख सकते हैं आप हमारे पर। i9 Pro स्मार्ट प्रोजेक्टर ईगेट का k9 Pro, इसके वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। i9 Pro 6,000 में वीडियो प्रोजेक्टर है, डील में अंदर 5K मिल जाता है, तो इसको ले सकते हैं अगर बजट कम है तो। और किसी प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो चाहिए, क्वालिटी देखनी हो तो कमेंट करना। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।